ऐ हुस्न बालो दिल किया हमने तेरी हवाले, तेरी मर्जी में है बात ठहरी, जीने दे चाहे तू मार डाले। वेलकम टू अल्फा स्टडी ऑनलाइन क्लासेस। डियर स्टूडेंट, आज हम रीजनिंग का काफी बेहतरीन क्लास लेकर आए हैं। ट्रायंगलों की संख्या को मालूम करना है, त्रिभुजों की संख्या को मालूम करना है। कैसे आप ट्रायंगल के संख्या को मालूम करेंगे, आइए हम शुरू करते हैं फिगर नंबर वन से। जैसे कि आपके पास फिगर नंबर वन का ये क्वेश्चन है आपके। अब इसमें त्रिभुजों की संख्या पूछता है, तो इसमें ट्रायंगल कितना है, वन है। ये आपका हो गया वन। अब देखिए फिगर नंबर टू में आइए। देखिए ये जो फिगर नंबर टू में है, इसमें एक लाइनिंग खींचते हैं, तो ट्रायंगल की संख्या में कितना इजाफा हो जाता है, यानी त्रिभुज को दो भाग में बांट देता है इसको। तो दो भाग में बांटता है, तो एक तो हमारा पहले से था ही, और इसको दो भाग में बांटा तो त्रिभुजों की संख्या कितना हो गया, तीन। और इसको लिखने का तरीका होगा वन और टू, वन प्लस टू इक्वल टू थ्री, थ्री आपका क्या हो गया, आंसर। ठीक है, ऐसे आप मतलब कहने का तात्पर्य है कि ट्रायंगल में अगर एक लाइनिंग खींचेंगे तो उसको दो पार्ट में बांटेगा, तो त्रिभुज की संख्या कितना हो जाएगी, एक पहले से आपका, दो पार्ट में बांटा तो तीन हो गया। अब जैसे देखिए फिगर नंबर थ्री में आइए, यह आपका एक ट्रायंगल है। ठीक है, अब इसमें आपको बताना है त्रिभुज की संख्या। देखिए कैसे इसमें ट्रायंगल की संख्या बताइएगा, काफी बेहतरीन क्वेश्चन लेके आया, बार बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, लेकिन आज से आप लोग कंफ्यूज नहीं करेंगे। देखिए अब ये हो गया वन टू थ्री फोर, अब इसको आप सम कीजिए, वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर, तो जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, सात, दो नौ एक दस, त्रिभुजों की संख्या क्या हो गया, दस। तो इस टाइप का जो भी क्वेश्चन रहेगा अगर आपसे इसमें त्रिभुज की संख्या पूछेगा तो विद इन सेकेंड में उड़ा दीजिएगा, रैपिड फायर। जैसे फिगर नंबर आपका हम फोर में बताते हैं, फिगर नंबर फोर देखिए, इसमें आप कितना भी ले लीजिए, है ना, कितना भी लाइनिंग डाल दीजिए, कितना भी लाइनिंग डाल दीजिए, ट्रायंगल की संख्या बताना है, कितना भी लाइनिंग डाल दीजिए, ट्रायंगलों की संख्या बताना है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, तो वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव प्लस सिक्स, छ पांच ग्यारह चार पंद्रह तीन अठारह दो बीस एक इक्कीस, त्रिभुजों की संख्या क्या हो गई, इक्कीस। आइए तो ऐसे आप ट्रायंगल के संख्या को पता कर सकते हैं आसानी के साथ, विद इन सेकेंड में आप आंसर को देख सकते हैं। अगर आप एग्जामिनेशन में है तो आप आसानी के साथ ऐसे क्वेश्चन को एकदम देख कर आंसर दीजिएगा, अगर आप अल्फा स्टडी देख रहे हैं तो। चलिए अब देखिए, अब हम देखते हैं कुछ अलग फिगर को लेते हैं, ट्रायंगल के संख्या को ही बताना है, लेकिन फिगर कुछ अलग करते हैं। देखिए फिगर नंबर आपका फाइव क्या है, ये जो आपका ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल को आप देख रहे हैं, चलिए अब देखिए इसमें आपको त्रिभुज की संख्या बताना है, ट्रायंगल की संख्या को फाइंड करना है, कैसे आप फाइंड कीजिएगा, आइए देखिए, इतना सारा ट्रायंगल है आपका, क्या है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, और इसको दो भागों में इसको बांट दिया है। अब आपसे पूछता है त्रिभुजों की संख्या बताना, तो हम जो प्रोसेस से चल रहे हैं प्रोसेस वही करेंगे, क्या करेंगे, वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव प्लस सिक्स, ठीक है, छ पांच ग्यारह चार पंद्रह तीन अठारह दो बीस एक इक्कीस, इक्कीस हो गया। त्रिभुज को कितने भागों में बांटे हैं, दो भागों में बांटे हैं, आप देख सकते हैं दो भागों में बांटे हैं, तो दो से गुना कर देंगे, इक्कीस दूना बयालीस, त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी 42। बार बार एग्जामिनेशन में ऐसा क्वेश्चन पूछता है, मजा रहा तो लाइक से सब्सक्राइब को जरूर ठोकिए, एकदम बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आए आपके लिए। देखिए अब आपका रीजनिंग का जो क्वेश्चन फिगर नंबर सिक्स है, ये देखिए यह आपका एक ट्रायंगल है, और इसमें आपको ये आपका देख रहे हैं इसको, और इसमें आपको बांटा है एक
दो, यानी इसमें त्रिभुज को तीन भाग में बांट दिया है ना, एक दो तीन चार लिख दे यहां पर, तो वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर, चार तीन सात दो नौ एक दस, कितना आया दस, जोड़ने पर दस आया, कितने भाग में बांटा है एक दो तीन भाग में बांटा है, तो गुना तीन से कर देंगे, तीस आपका क्या हो जाएगा आंसर। जितना भाग में बांटेगा गुना उतना ही से करेंगे, पहले हम ट्रेंगल को काउंट कर लेंगे, और जितना भाग में बांटेगा यानी आप इसको तीन भाग में बांटा तो तीन से गुना करेंगे, दो भाग में बांटेगा तो दो से गुना करेंगे, चार भाग में बांटेगा तो चार से गुना करेंगे, ठीक है। अब देखिए फिक्स सिक्स नंबर समझ गए, अब देखिए अब तो हम लोग ट्रेंगल को ट्रेंगल से काउंट किए हैं, अब आइए अगर रेक्टेंगल में ट्रेंगल को काउंट करना पड़ेगा तो हम लोग कैसे काउंट करेंगे। जैसे आपका फिगर नंबर सेवन में यह एक रेक्टेंगल है और इसमें एक आपका डायगोनल अगर हम ड्रा कर देते हैं, विकर्ण को खींच देते हैं, तो त्रिभुजों की संख्या आपका हो जाएगी एक दो, दो ठो त्रिभुज हो गया। लेकिन फिगर नंबर एट को हम देखते हैं, यह आपका एक रेक्टेंगल है और इसमें आपको ट्रेंगल की नंबर पता करना है, तो यहां पर लिखेंगे वन टू थ्री फोर, और बड़ा वाला आपका नंबर क्या है चार, तो चार में दो से गुना कर देंगे, चार दूना आठ, त्रिभुज की संख्या हो गई आठ। बेहतरीन टाइप है, एकदम मजा आ रहा है, तो लाइक से सब्सक्राइब को जरूर कीजिएगा। देखिए अब देखिए अगर क्वेश्चन नंबर नाइन में आते हैं, अगर ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ दे ये आपका रेक्टेंगल है देखिए, और इसमें आपसे पूछता है ये डायगोनल है, ये भी डायगोनल है, और इसमें ये क्रॉस कर दिए और यहां भी एक क्रॉस है, इसमें आपको त्रिभुजों की संख्या पूछता है, तो यहां लिखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, आठ है, सबसे बड़ा नंबर क्या है आठ, तो आठ में कितना से गुना कर देंगे दो से, आठ गुना दो सोलह, त्रिभुजों की संख्या कितना हो जाएगा सोलह हो जाएगा। अब जैसे नाइन नंबर क्वेश्चन के बाद टेन नंबर में देखते हैं, ये आपका एक रेक्टेंगल है ना, और यहां आप देखिए एक ऐसे एक डायगोनल दो डायगोनल और ये कैसे कर दिए ये, ठीक है। अब इसमें त्रिभुज की संख्या पूछता है, तो एक दो तीन चार पांच छ, तो छ गुना दो त्रिभुज की संख्या हो गई बारह। ऐसे क्वेश्चन में आप आसानी से आप ऐसे क्वेश्चन को बना सकते हैं, बेहतरीन टाइप लेकर आए हैं। अब देखिए कुछ अलग चलते हैं हम लोग है ना, इस रेक्टेंगल में ही कुछ आगे की ओर बढ़ेंगे फिगर नंबर 11 से। जैसे कि आपको इस टाइप का क्वेश्चन पूछा 11 में, यह एक रेक्टेंगल है और इसमें एक यह डायगोनल है एक यह डायगोनल, तो सिर्फ इतना रहता तो त्रिभुज की संख्या क्या होता आठ ठो, समझ रहे हैं, और यह भी एक डायगोनल है और यह भी एक डायगोनल है। अब इसमें त्रिभुज की संख्या बताना है, अब इसमें ट्रायंगल की संख्या कैसे मालूम करेंगे देखिए जरा, ये तो वन टू थ्री फोर, तो चार गुने दो कितना हो गया आठ ठो, तो ही हो गया, अब वन टू थ्री फोर ये भी कितना हो गया चार गुने दो कितना हो गया आठ, ज्वाइंट कितना है देखिए इसमें, एक यह ज्वाइंट है और एक यह ज्वाइंट है, ठीक है। तब ज्वाइंट की संख्या कितना है दो है, तो इसमें आप त्रिभुज की संख्या लिख सकते हैं चार आठ जोड़ दो, त्रिभुज की संख्या हो गया सोलह दो अठारह। अब देखिए ये अठारह कैसे हुआ, समझ रहे हैं कि आपको एक एक रेक्टेंगल में दो डायगोनल का ड्रा किए हैं, तो उसमें त्रिभुज की संख्या कितना हुआ आठ, ठीक है, तो इसमें दो ठो रेक्टेंगल है, एक ये रेक्टेंगल ये रेक्टेंगल, तो आठ आठ सोलह दो को ज्वाइंट है, ठीक है, सोलह दो अठारह हो गया। अब चलिए 12 नंबर फिगर में देखते हैं, बेहतरीन टाइप है ये देखिए। अब आप 12 नंबर फिगर में इसमें कितना है, इसमें भी अगर दो डायगोनल ड्रा करते हैं, ठीक है,
चलिए 1 2 3 4 1 2 3 4 सेम फिगर है यहां पर, तो इसमें त्रिभुज की संख्या कितना होगा 18, क्योंकि इसमें ज्वाइंट एक क्या आया, एक यह आया और एक यह आया। ठीक है, अब देखिए अगर यहां हम एक और रेक्टेंगल बना देते हैं, ठीक है, अब ऐसे भी एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, एक और रेक्टेंगल बना दिए, अब त्रिभुजों की संख्या बताइए, तो अब त्रिभुजों की संख्या कितना होगा। इसमें भी आपको अगर आप ऐसे ड्रा करते इस वाले को नहीं रहता तो यहां पर एक एक ये ज्वाइंट होता और एक आपका यह ज्वाइंट होता, ठीक है ना, यानी ज्वाइंट की संख्या ये आपको दोनों में आ गया है ना, ज्वाइंट की संख्या कितना होगा, एक एक दो है ना, दो चार, ठीक है, यानी दो यह हो गया और फिर ये दोनों में है ये हो गया, तो एक दो तीन चार डायगोनल ड्रा किए, क्या रेक्टेंगल, एक दो तीन चार, तो आपका 8 8 16 8 3 24 को ये हो गया। और अब देखिए ज्वाइंट कितना है, तो चार ठो है, तो 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 4 8 3 24 4 28 त्रिभुजों की संख्या हो गई 28। अब हम कुछ अलग हटकर बात करेंगे, क्या करने वाले हैं जरा देखिए जी, बेहतरीन टाइप लेकर आए हैं एकदम है ना, दो क्वेश्चन और हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, जैसे कि आप यह एक ट्रायंगल देख रहे हैं आपके पास क्या है, एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल के अंदर हम एक ट्रायंगल को ड्रा करते हैं, तो अब त्रिभुजों की संख्या कितनी होती है ना, त्रिभुजों की संख्या हो जाता है 1 2 3 4 चार है ना, चार ठो हुआ, एक आपका बड़ा वाला था है ना, यानी एक आपका जो ये है ये वाला है, यहां से ये वाला बड़ा वाला, तो त्रिभुजों की संख्या कितना हो गया 5। इसमें आपको त्रिभुज की संख्या पूछेगा तो कितना आ गया 5। क्या सीखे कि किसी ट्रायंगल के अंदर हम एक ट्रायंगल को ड्रा करते हैं, यानी किसी त्रिभुज के अंदर हम एक त्रिभुज को ड्रा करते हैं, तो त्रिभुजों की संख्या में 4 इजाफा होता है, यानी 4 बढ़त हो जाता है, 4 का इंक्रीज कर जाता है, और एक जो आपका पुराना वाला था उसको क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। अब देखिए अब मजा आने वाला है, हम क्वेश्चन को पलट देंगे, एकदम टाइप को बदल देंगे, मजा आ रहा तो ठोकिए लाइक शेयर सब्सक्राइब को ठोकिए, गर्दा उड़ा देंगे एकदम। अब देखिए जैसे कि आपके पास, ध्यान दीजिएगा, यह एक ट्रायंगल है, ठीक, अब देखिए इसमें एक, अच्छा एक बात और है ना, इसको बनाने पर देखिए इसको आप इसमें ट्रायंगल को ड्रा करते हैं, अब इसमें एक ट्रायंगल ड्रा कर दिए, चलिए तो त्रिभुज की संख्या कितना हो गया 4 1 5, एक तो आपका पहला वाला है ना, और त्रिभुज बन गया कितना 4 1 5 को हो गया। अब आइए इसके अंदर में भी हम एक ट्रायंगल को ड्रा कर दिए, तो फिर से त्रिभुज की संख्या में कितना बढ़ गया 4 बढ़ गया। अब देखिए है ना, अब आप ध्यान दीजिएगा कि अगर आप इसमें एक लाइनिंग को ड्रा करते हैं, इसमें एक लाइनिंग को ड्रा करते हैं, इसमें एक लाइनिंग को ड्रा करते हैं, तो त्रिभुज की संख्या कितनी हो जाएगी, यानी किसी भी ट्रायंगल को, यानी आप जैसे कि यह ट्रायंगल है, इसमें अगर हम एक लाइनिंग खींचेंगे तो त्रिभुजों की संख्या में 2 बढ़ जाएगा, 2 का इजाफा हो जाएगा, यानी 2 बढ़ जाएगा, तो लाइन कितना खींचे हैं, लाइन हम खींचे हैं 1 2 3, तो त्रिभुज की संख्या में कितना बढ़ेगा 6। अब देखिए हम इसमें भी लाइन खींच दिए, देखिए एग्जामिनेशन के में कैसा पूछा जाता है, इसमें भी लाइन खींच दिए, इसमें भी लाइन खींच दिए, तो लाइन कितना खींचे 6 गो, तो त्रिभुज का गो बढ़ेगा 12 गो, अब इसमें 12 क्या कर दिए, जोड़ दिए, ठीक है ना, तो 12 8 20 1 21 त्रिभुज की संख्या हो गया 21। देखिए ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जामिनेशन, बेहतरीन है।
आप कैसे भी जवाब दे सकते हैं। जैसे कि एक और लेते हैं हम लोग, यह एक ट्रायंगल है, देखिए ध्यान दीजिएगा। चलिए, इसके अंदर एक ट्रायंगल है, तो एक तो आपका पहले से ट्रायंगल था, इसमें एक ट्रायंगल इजाफा हुआ यानी चार को बढ़ गया। रेखा खींचते हैं, एक दो तीन, तीन को खींचे हैं लाइन सेगमेंट रेखाखंड, तो त्रिभुजों की संख्या में कितना बढ़त होगा? छह गो, तो त्रिभुज की संख्या हो गया 11। तो आप आसानी के साथ ट्रायंगल के संख्या को फाइंड कर सकते हैं। देखते रहिए अल्फा स्टडी, डेट्स ऑल, थैंक यू।